गुड मॉर्निंग सेल सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शिमशा आवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमतें बेपाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और ये दुआ करते हैं कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। हमारे प्रोग्राम में यही कोशिश होती है कि हम पंजाब पुलिस के जो टैलेंट हैं इनको यहाँ पर इनवाइट करें और हमने तकरीबन अपने जो पिछले शोज़ हैं उनमें भी यही कोशिश की है कि पंजाब पुलिस के जितने टैलेंट हैं उसको यहाँ पर आकर दिखाया जाए और आपको दिखाएं कि वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ जो टैलेंट है उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमारे प्रोग्राम में भी पंजाब पुलिस का एक टैलेंट मौजूद है जिसने ना सिर्फ पंजाब पुलिस का नाम रोशन किया बल्कि पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और ये उन्हीं से जानते हैं कि वो किस चीज में एक्सपर्ट हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्पोर्ट्स किस चीज की है ये उन्हीं से जानते हैं। निमशा आज वेलकम करते हैं उनके शो में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अस। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ये सलमान, ये जो बड़ा मुश्किल सा आप खेलते हैं और हम नाम याद कर रहे थे शो से पहले भी, जूडो तो मुझे याद हो गया, जो जिट्सु वेरी टफ नेम, और ये मार्शल आर्ट की गेम है, जूडो भी और जिट्सु भी, जैसे मार्शल आर्ट में हो भी बहुत सी गेमें हैं। अच्छा, इसी तरह ये भी एक इवेंट है जुजुत्सु का। अच्छा, ये खेलते कैसे हैं? मतलब इसका तो नाम ही इतना मुश्किल है। एक्चुअली जैसे आपने देखे जूडो में तो सिर्फ टेक डाउन करके फाइट खत्म होती है पॉइंट के जरिए और फाइट नॉकआउट सिस्टम खत्म हो जाता है। इसमें जुजुत्सु में ये होता है, ये बॉडी कॉन्टेक्ट फाइट होती है। इसमें जब आप टेक डाउन करते हैं वो फाइट खत्म नहीं होती। अच्छा, वो फाइट जो रेफरी है वो कंटिन्यू रखता है और उसमें फिर हमारे जो उनसे रिस्क लॉक हैं, आर्म बार है, ट्रायंगल है, नी बार है, ये मुकम्मल जो किसी भी दाव पेच लगाकर जो है वो दूसरे को नॉकआउट करना होता है अपने ओपोनेंट से। सेल्फ डिफेंस आपने करना होता है। ऑब्वियसली ये सारी गेम ये जो भी मार्शल आर्ट जितनी भी हैं ये सेल्फ डिफेंस के लिए हैं। अच्छा इसका फाइट में सबसे पहले इन्होंने मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि आप चाइना का कुछ बता रहे थे क्योंकि ये उनकी गेम है जापान की। जूडो, हाँ जूडो, मैं जूडो के बारे में आपको बता रहा था कि जूडो जो है वो जो जापान है उनकी नेशनल गेम है। अच्छा, हाँ, ये कुदो कानो में खेली जाती है, जापान का शहर है, और ये जगारो कानो उस्ताद संसी जगारो कानो उनकी जुबान में संसी कहते हैं, हमारी जुबान में उस्ताद कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जब जापान जब आज़ाद नहीं था तो उनके पास वेपन खत्म हो गए थे, तब जगारो कानो ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी बाजू को वेपन बनाया और उसके साथ उन्होंने मार्शल आर्ट की और अपने दुश्मन को जेर किया। अच्छा, मतलब देखो देखो भाई, जब वेपन्स नहीं होते थे तो लोग जो है वो अपने हाथों से एक जी मैंने ना मूवीज में देखा है कि वो ऐसे करते हैं तो अगला बंदा मतलब खत्म हो जाता है, तो आप भी ऐसे करते हैं तो अगला बंदा खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ऐसे करूं, मैं जस्ट जो उनसी गेम करता हूं वो अपनी स्पोर्ट्स के लिए करता हूं, मैंने कभी किसी चीज को आम यूज नहीं किया। जब आपने इस चीज का आगाज किया जब पंजाब पुलिस में आपने भर्ती हुए यहां पे, जी जी, तो तब से आपने ये शुरू किया था या पंजाब पुलिस में आने के बाद आपको शौक आया कि ये मैं स्पोर्ट्स में हिस्सा लूं? जब 7 साल का था तो मैंने तब से ये स्टार्ट लिया हुआ था। ठीक है, मैं अपने कॉलेज सिविल एंड गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल एंड से मैंने ग्रेजुएशन की है। अच्छा। तो मैं पहले लाहौर बोर्ड वगैरह में और उसके बाद इंटर कॉलेजेट, फिर उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह में कंपटीशन करता रहा। सही। 2010 में मैं जब डिपार्टमेंट में एंटर हुआ तो हमारे डिपार्टमेंट में 2006 से पहले स्पोर्ट्समैन डायरेक्ट भर्ती हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। जो बेसिक जिन गेम के प्लेयर होते थे वो भर्ती हुए थे। अच्छा। लेकिन 2006 के बाद हमारे डिपार्टमेंट में जो है ना स्पोर्ट्समैन भर्ती होना बैन हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद जो ओपन मेरिट पे भर्ती होता था जो हमारे कोचिस हजरात होते थे वो उनमें से प्लेयर को वॉलंटियरली उनके टैलेंट के हिसाब से निकालते थे। चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी अपना परफॉर्म कर रहा था तो हमारे कोचिस को पता था कि मैं मतलब प्लेयर हूँ इस तरह का, इसीलिए मैं 2010 में जब 10वें महीने में भर्ती हुआ, 14/10/2010 को भर्ती हुआ, तो जनवरी 2011 ठीक है, पहले जनवरी 2011 में मेरा पहला कंपटीशन पाकिस्तान लेवल का हुआ था पिशावर में। अच्छा, पिशावर में। और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि चूंकि हमारे जो उनसे 2006 का पहले का टर्नओवर था उसमें हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे जिन्होंने बहुत सी मतलब तरक्कियां भी स्पोर्ट्स में ली और पाकिस्तान में भी बाहर में वर्ल्ड में भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो 2006 के बाद ना थोड़ा सा जवाल आ गया स्पोर्ट्स में,
तो उनको हमारे जो ओपोनेंट थे उन चार सालों में वो यही समझे कि शायद पुलिस की स्पोर्ट्स खत्म हो चुकी है। तो जब मैं भर्ती हुआ तो मुझे आज भी याद है कि मेरी हमारी पहले वेइंग होती है, यानी कि हमारा जो बॉडी वेट है उस हिसाब से हमारे कंपटीशन होते हैं। तो मैं 73 केजी वेट में जो था, पहले मेरी वेइंग थी 73 केजी में, मैं पहला कंपटीशन लड़ा। तो जब मेरी वेइंग हो रही थी, हमारा कंपटीशन था पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान की जितनी भी जितने डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट और चारों सूबे। ओके, हाँ जी, पिशावर में ये इनके साथ हमारा कंपटीशन था। तो पुलिस का मुकाबला जिसके साथ आता था वो खुश हो जाता था। अच्छा, वो कंपटीशन से पहले खुश हो जाता था कि हम जीत गए हैं। पुलिस का टारगेट इजी है, मतलब उनके पास अभी कोई प्लेयर नहीं रहा। लेकिन मैं चूंकि यूनिवर्सिटी लेवल में खेलता रहा था तो उनको नहीं पता था। तो जब मैं, मेरे कोच को पता था, मेरे जब मैंने पहला मुकाबला एयरफोर्स के खिलाफ जीता, तो उसके बाद फिर आर्मी को जीता, तो पाकिस्तान आर्मी को, तो मेरा फाइनल जो आया था पाकिस्तान वापडा के साथ आया, वापडा के साथ। तो वो हैरान रह गए कि भाई ये प्लेयर कहाँ से आ गया। तो पता था कि हम तो जीतने वाले हैं, ये तो काही पलट दी। तो ये तो बात थी कि मेरा पहला कंपटीशन था। अच्छा। और जब मैंने अपना पहला डिपार्टमेंट की तरफ से गोल्ड मेडल लिया था, तो मैं 2011 में सोचता था कि यार शायद मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार मैं इतनी कमजोर टीम की रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर बाद में ये हुआ कि 2015 में मेरी प्रैक्टिस भी हो गई साथ में, हम चूंकि स्पोर्ट्स लीग में थे, कॉन्फिडेंट हो गए। और हाँ जी, उस टाइम जो है लाइन ऑर्डर का भी मसला होता था, तो एक टाइम हम ट्रेनिंग करते थे, एक टाइम जो है अपनी ड्यूटी करते थे। साथ साथ आप ना सिर्फ स्पोर्ट्स खेलते हैं बल्कि आप पंजाब पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने में बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ जगहों पे तैनातियां होती है जहाँ पे हम अपने ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी स्पोर्ट्स भी करते हैं। अच्छा, तो मैनेज कर लेते हैं आप ये सारा कुछ। हाँ, मैंने आपको बताया कि जब एक टाइम हमारी जब ड्यूटी होती है, मिसाल के तौर पर सुबह को हमारी ड्यूटी है तो हम शाम को ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। और अगर शाम को ड्यूटी होती थी तो हम सुबह फिर ट्रेनिंग करके फिर ड्यूटी पे जाते थे। तो इस तरह ये होता था कि हमारी गेम डिस्टर्ब नहीं होती। अगर हम अपनी ट्रेनिंग नहीं ना करेंगे तो फिर हम अपना जो है ना वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते इस लेवल की। पार्टिसिपेशन कर सकते हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते। अच्छा सुलेमान, जो जब हम छोटे होते हैं, या तो हम गलियों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, या हम गुल्ली डंडा खेलते हैं, या वो कैंची खेलते हैं, ये जूडो खेलने का ख्याल किस तरह आया? जूडो मैंने आपको बताया, मैं डिपार्टमेंट में आके मैंने शुरू किया। इंस्पायर आप किससे थे? इंस्पायर सात साल में, मतलब आपने अगर स्टार्ट किया है, कोई हर गेम में कोई ना कोई अच्छा प्लेयर होता है जिससे आप बड़ा खुश होकर देखते हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने उस्तादों से इंस्पायर थे। तो हमारे अमीर मुख्तियार साहब हैं, वो इस टाइम स्पेशल ब्रांच में ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा। तो सब इंस्पेक्टर हैं, पहले हमारी स्पोर्ट्स विंग का हिस्सा थे और उन्होंने स्पोर्ट्स में ही अपनी सारी जो उनकी नौकरी थी वो सर अंजाम दी है। और उसमें ना सिर्फ मर्दों के पाकिस्तान टीम के रहे हैं, औरतों के भी कोच रह के उन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन में उनको जो है ना तैयारियाँ कराई हैं। आपने सुलेमान कभी चाहा घर में, आपने अपनी कभी अम्मी को या अपनी वाइफ को खास तौर पे ये गेम सिखा दी? आप लगता है मुझे घर में जाने देना चाहिए। ऋषा के जो ख्यालात हैं और जो ना सोच है वो लग गई है ऐसे। इंटरव्यू देखेंगे बाद में, फिर आप लगता है मेरा कुछ सोचा हुआ है। मुझे लगता है आप ऑन एयर नहीं होने देंगे इंटरव्यू। देखिए, मैंने सोचा जरूर हुआ है कि मैं बस पूछ रही हूं, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में बिजी लाइफ होती है गेम में, तो मैंने ये अपने लिए प्लान किया था कि मैंने अपने घर में मैट्स बनाए हुए हैं। अच्छा। कि ये जो कंपटीशन होते हैं एक मैट्स के ऊपर होते हैं। अच्छा। मैट जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है उस वक्त। अच्छा। तो मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम था। अच्छा। दो चार लोगों के पास था, या डिपार्टमेंट के पास था, रेलवे के पास था, या वापडा के पास था। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी आ चुका है। अच्छा। तो मैंने साथ में वो इतना बड़ा तो नहीं बना सका, लेकिन छोटा सा मैंने बनाया हुआ है मैट। और वो अच्छा, उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो क्यों इतना एक्सपेंसिव है, कोई उसमें स्पेशल किस्म का मटेरियल लगता जी, है? जी, उसमें अच्छा। ये होता है कि अगर हमारी फाइट में टेक डाउन होता है तो टेक डाउन में अक्सर ऐसे ऊपर से बॉडी आके गिरती है, गिरती है, चोट है, है। तो उसमें चोट लगने का खतरा होता है। लेकिन जब वो जो मटेरियल अच्छे वाला है, अगर उसमें
आप गिरते हैं तो उसमें चोट नहीं लगती। अच्छा अच्छा, तो इसलिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो वो मैं बता रहा था कि मैंने घर में बनाया हुआ है और वो वाला फ्यूचर में प्लान है कि मैं अपनी बेटियों को भी जरूर सिखाऊंगा इंशाल्लाह जरूर। और मैं कहती हूँ कि लड़कियों को सीखनी चाहिए, इतना इतना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए कि अगर कोई आपको हरास कर रहा है या कोई करने की किसी ने भी कुछ कोशिश की है तो आप फटाफट उसे मार दें। अच्छा सलमान, आपके जो तमगे आपने विन किए हैं ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आप हमें इनके बारे में बताइए कि ये आपने क्या से विन किए के साथ साथ देखें सर्टिफिकेट भी कितने उनके पास है ना, ये और सर्टिफिकेशन है। और मुझे बता रहे थे कि इनके पास CC1 सर्टिफिकेशन है जो कि इन्होंने एडिशनल आईजी ने दी हुई है, पुलिस के जो आला अफसरान एक हमारे जो रिसेंटली आईजी साहब बने हैं, एक तो एडिशनल आईजी तारक मसूद यासीन साहब से लिया मैंने। अच्छा सलमान, मुझे ये बताएं कि ये जो तमगे आपने हासिल किए हैं, उतने सारे सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, इस सारी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से कंपटीशन है जो आपने। हाँ, इनमें कुछ मेरे जो मेडल्स हैं वो जूडो के हैं जिनमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया 2011 से। अच्छा, उसके बाद मेरे जुजुत्सु के हैं जिसमें मैं 2015 में पाकिस्तान का गोल्ड मेडल हुआ, जिसमें पाकिस्तान आर्मी वापड़ा तमाम डिपार्टमेंट्स के सूबों को आपको बताया मैंने जीत के, फिर हम जीतते हैं। राइट। और 2018 में नैब वालों ने कराई थी स्पॉन्सरशिप कोयटा में, ठीक है, कोयटा में हुई थी नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है, जिसमें तमाम सूबों ने पार्टिसिपेशन की थी, ठीक है, उसमें मैंने ना सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया उसके पूरे पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर भी अवार्ड मिला मुझे। सलमान, चूंकि आप पंजाब पुलिस की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो पंजाब पुलिस के जो नौजवान हैं अहलकार हैं, क्या उनको भी आप ट्रेनिंग दे रही हैं जूडो की या फिर कोई और ट्रेनिंग? जी, हमारे पुलिस लाइन में जिम है जहाँ पे मैं एज ए इंस्ट्रक्टर अपनी जॉब भी कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं अपने नए जो उनसे लड़के आते हैं उनको तैनात होते हैं वहाँ पे, यंग अपॉइंटेड जो जी उनको साथ में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई खास किस्म की डाइट और एक्सरसाइज या रूटीन है या? कोई भी गेम हो वो डाइट के बगैर प्लान के बगैर नहीं होती, कोई भी गेम हो, तो इसके लिए जरूरी होता है कि आपको मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि हमारे कंपटीशन होते हैं बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने जो मैंने आपको बताया मैंने फर्स्ट कंपटीशन जो पुलिस की तरफ से लड़ा था वो 73 kg वेट में लड़ा, और आखिरी जब और आखिरी जो मैंने लड़ा था वो मेरी शादी के बाद हुआ था वो 94 kg वेट में। लेकिन उसमें और उसमें 10 साल का फर्क भी है ना। अच्छा अच्छा, फर्क भी है, ठीक, 10 साल का फर्क, मतलब अब 10 साल के बाद 104 पे लड़ेंगे आप। सलमान तारिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सलमान तारिक जो के माय हैं जूडो और जुजुत्सु के, और उन्होंने बताया कि किस तरह आप लोग अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। मजीद टैलेंट के साथ हाजिर होंगे, आप लोग हमें फेसबुक पर सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अलावा यूट्यूब पे आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप में कोई टैलेंट मौजूद है तो आप हमें फेसबुक में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आप पंजाब पुलिस के जवान हैं और आप में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे। इसी के साथ मुझे और इमशा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।